मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस को टेंशन देने के लिए क्षत्रिय करनी सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया। करनी सेना ने चेतावनी दी है कि विधानसभा चुनाव में क्षत्रियों को पर्याप्त टिकट नहीं मिले तो वे निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। इसे लेकर उन्होंने 12 सूत्री मांगों को लेकर 27 अगस्त को मुख्यमंत्री से दो टूक चर्चा करने की बात कही है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने भोपाल में कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने साफ साफ कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से महापड़ाव की शुरुआत करेंगे और दोपहर 2 बजे तक अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम देंगे। उसके बाद सीधे सचिवालय के लिए कूच कर जाएंगे, साथ ही मुख्यमंत्री से दो टूक चर्चा भी करेंगे। क्षत्रियों के हाथों में झंडा और मजबूत डंडा होगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। करनी सेना की माने तो क्षत्रियों की राजनीतिक भागीदारी बेहद जरूरी है और इस बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्षत्रिय को बनाया जाए। खबर तो यहां तक है कि नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम बनाने की मांग की जा रही है। शेखावत ने सीटों का गणित भी समझाया और साथ ही सरकार को सुझाव भी दिया कि सरकार सिर्फ उन्हीं सीटों को आरक्षित करे जहां उनकी आबादी अधिक है और विधानसभा की सीट को संख्या बल के आधार पर आरक्षित किया जाए। इसके अलावा करनी सेना ने SC ST एक्ट के दुरुपयोग का भी विरोध किया। मतलब ये कि अब क्षत्रिय करनी सेना सरकार के लिए टेंशन बनने वाली है और अगर सरकार नहीं मानी तो पिछली बार की तरह इस बार मामा को नुकसान न हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।